सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपने कांग्रेस पार्टी की तरह यहाँ पे बिकाव और प्रदर्शन नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर जो, क्योंकि जिसने टिकट खरीदा है वो अपने मुंह से बोल रहा है कि मैंने 5 करोड़ में टिकट खरीदा है, उसके बाद भी मैं समस्त यमुनोत्री के जनमानस से माफी मांगता हूं कि मैं ये कांग्रेस का टिकट उनके लिए नहीं खरीद पाया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये गांधी की कांग्रेस है। मुझे ये पता था कि ये गांधी की कांग्रेस है, मुझे नहीं पता था ये दलालों और भ्रष्टाचारियों के लिए कांग्रेस है, जिसमें भ्रष्टाचार में लिप्त आदमी को, जिसमें 50 से 60 करोड़ के गबन का आरोप है, और जो खुलेआम बोल रहा है कि मैं कांग्रेस का टिकट लेके खरीद के लाया हूं, और हमारे सारे शीर्ष नेतृत्व उत्तराखंड का हंस के उसको टिकट दे रहा है, तो इसका मतलब इनसे बड़ा भ्रष्टाचार ये तो हमारी कांग्रेस पार्टी थी। क्योंकि मैं आज कांग्रेस के समस्त, क्योंकि मैं ओबीसी का प्रदेश अध्यक्ष हूं, तो मैं ही नहीं, यमुनोत्री के जितने भी ब्लॉक अध्यक्ष हैं, चाहे ये चिन्यालीसौड़ का ब्लॉक अध्यक्ष है, चाहे नगर के अध्यक्ष है, ब्रह्मखाल के हैं, सभी लोग अपने पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं, और इस भ्रष्टाचारी कांग्रेस में रहने के लिए किसी को भी ऐसा पसंद नहीं है, क्योंकि ऐसे दलदल में जो ऐसे भ्रष्टाचारी को पनाह दे रही है आज तक, जिससे जिसपे कम से कम 50 से 60 करोड़ के गबन का आरोप है, और हमने अपनी आंखों से देखा है कि जब उन्होंने उनपे जांच शुरू हुई है तो उन्होंने गांव-गांव में उसके बाद कार्य करवाने की कोशिश करी है, और डीएम साहब की रिपोर्ट में बिल्कुल दर्शाया गया है कि कहीं भी कम से कम 700-800 योजनाओं पे काम नहीं है, उसके बाद भी ऐसे भ्रष्टाचारी को कांग्रेस पार्टी ने अपने लिया, और ऊपर से, और वो भी दूसरी विधानसभा का, तो सोचिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, क्योंकि जिसके फालतू का पैसा है, लोगों का पैसा है, उन्होंने वहां से लिया, अब पहले कुछ औरों को दिया, अभी इनको दे रहे हैं।